Shut up and sit down. मेरा प्रिय लेखक पर निबंध। ये सभी जानते और मानते हैं, कवि और लेखक बनाने से नहीं बनते, बल्कि जन्मजात हुआ करते। प्रकृति कुछ ही लोगों को ऐसी सृजन प्रतिभा प्रदान करके जन्म दिया करती है, जिसके कारण साहित्य का उपवन हमेशा फूला फला रहा करता है। हिंदी साहित्य के आंगन में ऐसे अनेक लेखक रत्न जन्म ले चुके हैं कि जिनका लोहा आज भी सारा विश्व स्वीकार करता है और भविष्य में भी निरंतर करता रहेगा। मेरे विचार में महान और सदाबहार लेखक वही हुआ करता है जिसकी लेखनी में मानवता की निरीहता का दर्द हमेशा गूंज कर पूरी मनुष्य जाति की अमर धरोहर बन जाता हो। निरीज मानवता की इच्छा आकांक्षाओं को साहित्य के भिन्न रूपों में साकार करने वाला लेखक मेरे विचार में हिंदी साहित्य में आज तक एक ही हुआ है और वही मेरा प्रिय भी है। मेरे उस परम प्रिय लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने यहाँ तो निबंध और नाटक भी रचे, परंतु मुख्यतः उपन्यास और कहानीकार के रूप में एक महान लेखक, कला सम्राट जाने माने जाते हैं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है दोनों रूपों में। इतने वर्षों बाद वे आज भी कहानी उपन्यास कला सम्राट बने हुए, का स्थान कोई नहीं ले सकता। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दमही में सन 1880 में हुआ था। पिता पोस्ट ऑफिस के सामान्य क्लर्क थे। उस पर बुढ़ापे में दूसरा विवाह रचा लेने की गलती कर बैठे थे। परिणाम स्वरूप बचपन के सुकुमार क्षणों से इनको अनेक प्रकार के आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। ट्यूशन आदि करके इन्होंने पिता के बाद घर परिवार का पालन भी किया और अपनी शिक्षा भी जो त्यों जारी रखी। गणित में कमजोर होने के कारण पीए बड़ी कठिनता और कई वर्षों बाद पास कर सके। जीने के लिए स्कूल मास्टरी, स्कूल निरीक्षक भी बने। समय तक बंबई रहकर फिल्मों के लिए भी था, पर स्वभाव से स्वतंत्र और देश प्रिय होने के कारण कहीं टिक न पाए। बाद में प्रेस और पत्र का प्रकाशन किया और इस प्रकार सारा जीवन संकटों से जूझते रहकर भी ऐसे साहित्य का सृजन करते रहे जो उदात्त मानवीय भावनाओं और मूल्यों के कारण अजर अमर है। उन्होंने लगभग एक दर्जन उपन्यास रचे और 300 से अधिक कहानियां लिखी। प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान और मंगलसूत्र, अधूरा आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी कहानियों के संकलनों के नाम हैं प्रेम पचीसी, सप्त सरोज, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम पीयूष, प्रेम प्रतिमा, पंच प्रसून, सप्त सुमन, प्रेम प्रमोद और प्रेम चतुर्थी आदि। कहानियों के संकलन आजकल अन्य कई नामों से भी बाजार में उपलब्ध है। हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में इनका आगमन एक वरदान से कम महत्वपूर्ण नहीं माना गया। एक आलोचक के शब्दों में उचित ही कहा जा सकता है कि प्रेमचंद जी ने कहानी और उपन्यास को पूरी कल्पनाओं के क्षितिज से उतारकर जीवन के यथार्थ एवं भोगे जा रहे धरातल पर प्रतिष्ठित किया। घटना के स्थान पर उसे चारित्रिक आयाम प्रदान किया और वायवी परिवेश के स्थान पर जीवन के यथार्थ पर्यावरण से सम्मिलित किया। ऐसा करने के कारण ही स्वर्गीय प्रेमचंद मेरे साथ साथ अन्य लाखों लोगों के भी चहेते एवं प्रिय लेखक बन सके। जैसा कि हम उनके जीवन में देख चुके हैं, प्रेमचंद ने जीवन की कटुताओं को निकट से देखा और भोगा था। अपने युग के समाज, धर्म, राजनीति के अनुभवों को संजोया था। जीवन के सारे जीवंत अनुभव उनकी रचनाओं में साकार देखे जा सकते हैं। कारण उनके उपन्यास और कहानियां प्रभावशाली है कि पुराने होकर भी उनके कथानक, उनकी रचना प्रक्रिया तथा अन्य तत्व हमेशा ताजे लगते हैं। प्रत्येक रचना में यथार्थ जीवन की धड़कन है और इसी कारण उन्हें बार बार पढ़ने पर भी मन उबता नहीं। अपनी रचनाओं में उनके पात्रों ने अपने अनुभवों के आधार पर स्थान स्थान पर जो भविष्यवाणियां कही हैं, उनमें से अनेक आज लगातार सत्य प्रमाणित हो चुकी है और हो रही है। सभी बातों ने भी उन्हें मेरा प्रिय लेखक या उपन्यासकार बना दिया है। मेरे इस प्रिय लेखक को
कोई तो यथार्थवादी कहता है और कोई आदर्शवादी, तो उन्होंने अपने आप को आदर्श उन्मुख यथार्थवादी ही कहा है। मेरे विचार में वे शुरू से अंत तक प्रमुख रूप से केवल मानवतावादी ही, मानवता के दर्द को उन्होंने अपनी सभी प्रकार की रचनाओं में संजोया है। फिर उनकी भाषा शैली भी सरल, सरस, रोचक और प्रभावी है। सामान्य विषय सभी वर्गों के लोग उनकी रचनाएं पढ़कर समान रूप से भी भाव विचार सामग्री लेकर जीवन को सार्थक बना सकते। मेरे इस मानवतावादी प्रिय लेखक का स्वर्गवास यद्यपि आज से कई दशक पहले सन 1936 हो गया था, पर अपनी रचनाओं में वह आज भी जिंदा है और हमेशा रहेंगे। मानव के दुख दर्द को बांटने और सजोने वाले भी कभी मरा नहीं करते हैं, ना ही वे कभी भी मर सकते। विश्व के चंद गिने चुने अमर कहानीकारों में आज भी उनका स्थान अग्रगण्य बना हुआ है और हमेशा रहेगा।